मनीषा हुई जैद से नाराज, बेबिका ने बनाया अपना नया गेम प्लान। वेल, बिग बॉस के लाइव फीड में हमने देखा कि जैद मनीषा को दीदी कहकर चिढ़ाता हुआ नजर आता है बेबिका से बात करने के बाद। जैद बेबिका और मनीषा दोनों को ही अपनी दीदी बना लेता है। मनीषा ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होती है। मनीषा जैद से कहती है कि उसे जैद का अच्छा दोस्त बनकर रहना है, न कि उसकी दीदी बनकर। मनीषा जैद से ये भी पूछती हुई नजर आती है कि उसे ये दीदी वर्ड आखिरकार किसने सिखाया है। मनीषा जैद को मजाक में गाली भी भगती हुई नजर आती है, जिसे बेबिका काफी ज्यादा एंजॉय करती है। जैद को मनीषा अच्छा दोस्त बनना भी सिखाती है और जैद को मनीषा अपना अच्छा दोस्त ही बताती है। मनीषा के कहने पे जैद मनीषा को बाबू भी कहता हुआ नजर आता है। बेबिका जैद से बॉन्ड बनाए रखने की बात मनीषा से कहती है, क्योंकि बेबिका कहती है कि जैद किसी की भी बातों में आ जाता है, इसीलिए उसे अपना बॉन्ड जैद के साथ अच्छा बनाए रखना है। बेबिका कहती है कि वरना जैद उन्हें लोगों के कहने पर वोट आउट भी कर सकता है। जैद को बेबिका थोड़ा सरफिरा भी बताती है। मनीषा कहती है कि वो बाबू बोलने के लिए जैद को घर से जाने के बाद अपने 4 मिलियन फॉलोवर्स भी दे देंगी। जैद भी मनीषा के लाइफ टाइम BFF बनकर रहने की बात पर एग्री करता है, लेकिन बार बार जैद फिर भी मनीषा को दीदी बोलकर चिढ़ाता हुआ दिखाई देता है। मनीषा और बेबिका जैद के जाने के बाद बात करते हुए नजर आते हैं कि उसके लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से वो किसी की भी बातों में आ जाता है। फिर आपका मनीषा और बेबिका की कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।